everyone, welcome to my channel Anisha Reacts. कैसे हैं जी, उम्मीद है सारे ठीक ठाक मजे में होंगे। और जी एक टीजर आया है साउथ से जिसका नाम है कंगवा, और इसके ग्लिप्स हमने जो है देखे थे इससे पहले और मुझे वो बहुत अच्छे लगे थे, उसी टाइम पे फैन हो गई थी। लेकिन आज इसका टीजर आया है तो देख लेते हैं। और जी इसमें सूर्या है, इसमें बॉबी देओल का नाम मैं देख रही हूँ, यू वी क्रिएशन। ठीक है जी, पहले देख लेते हैं उसके बाद करते हैं डिस्कशन। और सबसे जो ज़रूरी बात मुझे आपको बतानी है कि ये 38 लैंग्वेजेस में आ रही है और ये 3D हो गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बात है अपने आप में। ठीक है जी, तो पहले देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जो है कर दें, अनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करें। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स गो। क्या बात है यार, एक दफा और देखते हैं। यार क्या बनाया इसके विजुअल्स, और सबसे मेन चीज मैं आपको बताऊंगी कि यार मतलब यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे कि इतना जबरदस्त जो है टीजर है, इसकी एडिटिंग से लेकर इसका म्यूजिक और पीछे लोगों के कॉस्ट्यूम्स देखो यार, इतना कोई फोकस किया गया है भी इसमें है, विजुअल्स एक से बढ़ के एक, मतलब आंख आप ना झपक नहीं पा रहे थे कुछ मिस ना हो जाए। और मैंने दो दफ़ा देखा है, बॉबी देओल इसमें है और अभी तक के कैरियर में एनिमल और ये जो मूवी है बॉबी देओल की, ये उनके कैरियर को बना देगी। मतलब सूर्या क्या लग रहे हैं, माय गॉड, जिस तरह के शेर की ढाल उन पे सूट कर रही है ना, कॉस्ट्यूम्स है ना, मैं उनकी फ़ैन हो गई हूँ। जिस तरीके से ये मुझे इंसान तो नहीं लग रहे, इंसान जैसे ही कुछ हैं, और बिल्कुल इनके अंदर ऐसा लग रहा है जंगली बने हुए हैं, जिसको आधी मानव ऐसा कुछ कहते हैं उस टाइप के बने हुए हैं, और बिल्कुल भी मतलब ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि इनमें कोई इंसानियत भी है, मतलब जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। दो दफ़ा मैंने देखा है और मुझे इतना कोई अच्छा लग रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक कंगवा वो जो चीज़ थी, और इफेक्ट्स, मतलब जितना भी इन्होंने कोई सेट्स यूज़ किए हैं जो आर्टिफिशियल, कुछ आर्टिफिशियल नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है किसी और वर्ल्ड के अंदर हमारी एंट्री हो गई है। देखा वो जो मगरमच्छ की आंख एकदम जो है दिखाई है, और इतना कोई फोकस करके इतना कोई विजुअल था कि सामने ही मगरमच्छ आ गया है। अभी देओल और सूर्या दोनों का जो उस शेर वाला जो एक साथ, जिस तरह शेरों को देखा ना अपने साथ में धाड़ते हुए, वो इनका सीन बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, फुल डराने वाला था। और हाँ भाई, हम जो है डर गए इसको देख के कि इसमें क्या करने वाले हो तुम लोग। बहुत मेहनत की है यार, और मेहनत जो है दिख रही है कॉस्ट्यूम के अंदर, म्यूजिक के अंदर, इतने लोगों को गाइड करना, उनका जो है कॉस्ट्यूम बनाना। वो देखा पेड़ के नीचे कुछ जो है कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो कुछ पूजा वगैरह या ऐसा कोई चीज़ कर रहे हैं। थोड़ी जो मुझे समझ आई है, दो जो है ना, मुझे लगता है कि कबीले हैं उनके सरदार, एक के जो है बॉबी हैं, एक के सूर्या हैं, और
देखा था सूर्या के हाथ में, एक में हाथ था और एक में तलवार थी, और उसके आगे जो है ना वो बीट्स लगे हुए थे जैसे कि सीपियां होती हैं, ऐसे लोगों को फेंक रहे थे जैसे कि कोई कचरा फेंकता है, मतलब एक जगह एक जो है खड्डे पे। और लोगों के ना यहाँ पे ब्लू निशान भी था, और जो है रेड, जो ब्लू वाले थे वो रेड को फेंक रहे थे। देखिएगा, मैंने दो दफा देखा है ना ये भी आपके साथ, तो मुझे आंखें खोल खोल के, क्योंकि एकदम आया है ना ये टीजर यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। यकीन करोगे इतना कोई अच्छा काम और इतनी मेहनत हो रही है, डिफरेंट चीज थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग जरूर बताइएगा। बॉबी देओल को देख के बहुत खुशी होती है कि वो इस टाइम पे जो है ना इतना आगे जा रहे हैं, और विलन के रोल में माय गॉड क्या लगेंगे, मुझे इंतज़ार है। और जितना मुझे समझ आया वो चीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा जी। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय।